एक तरफ रूस यूक्रेन में जंग छिड़ी है तो वहीं दूसरी ओर आर्मेनिया और अजरबैजान में एक बार फिर से संघर्ष शुरू हो गया है। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर हमला करने का आरोप लगाया है, वहीं अजरबैजान ने इसे आर्मेनिया के उकसावे के बदले की कार्रवाई बताया है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। दोनों देशों में फिलहाल संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है, लेकिन दो दिनों की जंग में दोनों देशों ने 150 से ज्यादा सैनिक खो दिए। दावा है कि अजरबैजान ने आर्मेनिया में रिहायशी बस्तियों को निशाना बनाया है, लेकिन अब तक आम नागरिकों की मौत के आंकड़े सामने नहीं आए हैं। हालांकि इसे आर्मेनिया में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ये घटना नारगोनो कारबाग गैस स्टेशन में हुई, जिसमें आर्मेनिया दहल उठा। धमाके में मरने वालों की संख्या 125 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि ईंधन भरवाने के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी, तभी गैस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते वहां मौजूद सैकड़ों लोग घायल हो गए। अब बात करते हैं आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद की जड़ की। आखिर क्यों सोवियत संघ से टूटकर अलग हुए ये दोनों देश? दशकों से एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तो इसके लिए इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। साल 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो जो 15 नए देश बने उनमें अजरबैजान और आर्मेनिया भी थे। हालांकि दोनों के बीच विवाद 1980 से ही शुरू हो गया था। विवाद की जड़ है नारगोनो कारबाग का इलाका। इस इलाके पर कब्जे को लेकर दोनों देशों के बीच बीते 4 दशक से विवाद है। सोवियत संघ टूटने के बाद नारगोनो कारबाग का इलाका अजरबैजान के पास चला गया। चूंकि अजरबैजान मुस्लिम देश है जबकि आर्मेनिया में ईसाई आबादी रहती है, नारगोनो कारबाग में भी ईसाई बहुसंख्यक हैं, इसके बावजूद ये इलाका अजरबैजान के पास है। 1980 के दशक में नारगोनो कारबाग, जो कि उस वक्त एक स्वतंत्र देश की तरह था, इसकी संसद ने आधिकारिक तौर पर आर्मेनिया का हिस्सा बनने के लिए वोट किया, लेकिन इसे अजरबैजान की सरकार ने नहीं माना और अलगाववादियों की आवाज को बलपूर्वक दबा दिया गया। बहरहाल 1991 में सोवियत संघ टूटा और उसके 3 साल बाद यानी 1994 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच भीषण जंग हुई, जिसमें हजारों बेगुनाह नागरिक मारे गए, जबकि लाखों लोगों ने अपना घर भी छोड़ा, पड़ोसी मुल्कों में शरण ले ली। बाद में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम तो हुआ, लेकिन ये इलाका अजरबैजान का ही बना रहा। साल 2020 में दोनों देश एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने थे, फिर भीषण जंग हुई जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए। ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं। फिलहाल इस इलाके में शांति वार्ता जारी है, लेकिन अब तक बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। दोनों देशों के बीच अक्सर सैन्य झड़पों की खबरें सामने आती रहती हैं। बहरहाल रूस और टर्की दोनों देशों के बीच शांति कायम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस इलाके में स्थायी शांति कब होगी ये कोई निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारत पर।